नमाज हम सड़क पर ही पढ़ेंगे, चाहे इसके लिए हमारे ऊपर मुकदमा हो, हमें जेल जाना पड़े या कुछ भी हो जाए, हम नमाज सड़क पर ही पढ़ेंगे। और मुरादाबाद का इरफान सैफी पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के मुंह पे थूक रहा है, खुला चैलेंज दे रहा है उत्तर प्रदेश सरकार को भी और यूपी पुलिस को भी। और ये सबसे पहले इसकी वीडियो देखिए किस प्रकार से ये चैलेंज दे रहा है, इसकी वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं किस प्रकार से ये धमकी दे रहा है, चैलेंज दे रहा है यूपी पुलिस को। अगर सरकार चाहती है कि हमारी नमाजों को रोकने के लिए, जाहिर सी बात है हम इसके लिए नहीं, हम नमाजें पढ़ते रहेंगे, हम ऐसी उम्मत से हैं जो न कभी डरे हैं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता हमें दिखाया है हम उसको हमेशा मानते रहेंगे। ऐसी चीजें आती रहती है और जाती है। नमाज की बात है तो नमाज ईदगाह पे ही इरफान सैफी पड़ेगा और इंशाअल्लाह, रही बात वहां पढ़ने की बात है कि सरकार की गाइडलाइंस जो आई है, रही बात तो सरकार को इंतजाम पहले करना चाहिए। अच्छा। सरकार को ईदगाह के लिए नया अलॉटमेंट, नई जमीन पहले से अलॉट करनी चाहिए थी। अगर उसको लगता है कि हम अपनी नमाजें नहीं रोक सकते, भाई नमाज को ऐसी हम नई प्रथा नहीं बना सकते कि हम एक उसमें चार चार पांच पांच छह छह बार नमाज, तो इसलिए अगर नमाज पढ़ेगा तो इरफान सैफी सबसे पहले जेल जाना, मुकदमे लिखे जाएंगे तो लिखे जाए। अच्छा। मैं वहां नमाज पढ़ूंगा और मेरे साथ और लोग भी नमाज पढ़ेंगे। नहीं, नमाज पढ़ने के लिए मनाही भी नहीं की गई, नमाज पढ़ने की मनाही भी नहीं की गई है। ये कहा सरकार को इंतजाम करना था तो पहले करना था, 1947 से लेकर 2024 तक आज कोई हम नई प्रथा नहीं बनाने जा रहे, आज हम कोई नया कानून बनाने नहीं जा रहे, आज हम किसी चीज पे नई बात नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग चाहते हैं कि जहां नमाज हमारी पढ़ी जाती थी सब एकजुट होके एक सफ में होके एक जगह होके हम लोग नमाज पढ़ते हैं। तो इसलिए रही बात है अगर प्रशासन को लगता है भाई वाकई उसका इंतजाम करे, अगर उसको लगता है कि वाकई भाई, तो जैसा कि ये बता रहा है कि प्रशासन इंतजाम करे, मतलब पुलिस प्रशासन जो है वो इनके लिए पर्सनली जमीन दे, जमीन अलॉट कराए ताकि ये नमाज पढ़ सके। भाई नमाज पढ़नी है तो मस्जिद में पढ़िए ना, अगर उसमें भी जगह नहीं बचती है तो अपने अपने घरों में पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन सरकार के मना करने के बावजूद भी ये लोग नमाज पढ़े और नमाज पढ़ने के बाद अब सरकार कोई एक्शन लेगी तो ये कहा जाएगा कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये जो सरकार है हिंदूवादी सरकार है, भाजपा की सरकार है, ये भगवाधारियों की सरकार है, तो ये लोग मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और जुल्म इस प्रकार से कर रहे हैं कि ये लोग नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं। सरकार के गाइडलाइन के बाद भी ये लोग सरकार और पुलिस प्रशासन को खुला चैलेंज दे रहे हैं। अब पुलिस प्रशासन तो अपना काम करेगी भाई, यूपी पुलिस है, बाबा जी की सरकार है वहां पे और बाबा जी की सरकार तो अपने पूरे अच्छे तरीके से काम करेगी, इंतजाम करेगी। ये जो सैफी साहब है जो ये खुला चैलेंज दे रहे हैं, इनको तो मोर बना दिया जाएगा और फिर जब मोर बनाया जाएगा तो काफी लोग विरोध करने आ जाएंगे। तो भैया हम एक ही चीज कहना चाहते हैं, पूरे देश में पूरे प्रदेश में शांति का माहौल स्थापित करिए और शांति बने रहने दीजिए। हम जानते हैं आप हर जगह पीड़ित हैं, हर जगह प्रताड़ित हैं, जहां कम्युनिस्ट सरकार है वहां भी आप पीड़ित हैं, वहां भी आप परेशान हैं, जहां ईसाइयों की है वहां भी आप परेशान हैं, इसके साथ ही जहां आप खुद ही बस आप ही आप हैं, पाकिस्तान को देख लीजिए, सीरिया को देख लीजिए, उससे नहीं हुआ तो सऊदी अरबिया को देख लीजिए, कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां आपको ऐसा लग रहा हो कि आप सुरक्षित है, नहीं है। पाकिस्तान में देखिए जो सुन्नी है वो अहमदिया की मस्जिद को तोड़ रहे हैं, अहमदिया है वो सुन्नी से नफरत कर रहे हैं, सुन्नी है वो सिया से, सिया है वो देवबंदी से। तो भाई हर जगह आप परेशान है, ये चीजें मान रहे हैं, परेशानी आपकी समझ रहे हैं, लेकिन प्रदेश में पूरे देश में शांति का माहौल स्थापित करिए और इस प्रकार की धमकी से बचना चाहिए आपको। लेकिन चिंता मत करिए सैफी साहब, आपका मोर बनाया जाएगा। मोर कौन बनाएगा? बाबा जी की पुलिस बनाएगी, उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी। बाकी वीडियो को इतने पे रोकते हैं और सैफी साहब को किस प्रकार से मोर बनाया जाएगा इसकी वीडियो जैसे आएगी इसी चैनल पर आपको मिलेगी। बाकी वीडियो को इतने पे रोकते हैं, जय वंदे मातरम और हर हर महादेव रहेगा।